नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी F34 5G मोबाइल में आप किस तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं दो तरीके बताने वाला हूँ स्क्रीनशॉट लेने के, जो कि एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका दोस्तों वो तो आप सभी को पता होता है कि पावर बटन और वॉल्यूम की डाउन बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर देखिए पावर बटन और वॉल्यूम की दोनों को एक साथ प्रेस किया तो स्क्रीनशॉट हो गया, ये देखिए। तो ये तो सभी को पता होता है, लेकिन जो एक दूसरा तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो ये असिस्टेंट मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट का, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये तरीका आपको कैसे इनेबल करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में आ गए, ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे की तरफ और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा इंट्रैक्शन एंड डेक्सटरिटी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है असिस्टेंट मेनू, ये डिसेबल होगा तो ये आपको नहीं दिखेगा, देखिए ये गायब हो गया। इसको आप इनेबल कर दीजिए, अलाउ करेंगे और ये इनेबल हो गया। अभी दोस्तों आपका जो काम करना है वो चालू हो जाएगा, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं अपने इस मोबाइल में।